हेलो एवरीवन, तो आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ। कितनी सूजी लगेगी, कितना चीनी, कितना घी और कितना पानी डालना है। तो जब भी हम हलवा बनाते हैं ना, सूजी का बहुत ड्राई बनता है, ठंडा होने के बाद तो बिल्कुल खाने का मन नहीं करता, पर इस तरह से अगर आप हलवा बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा, ठंडा होने के बाद भी अच्छा लगेगा। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 4 कप पानी, 2 कप चीनी लेनी है इसमें। अगर आपके पास केसर है तो कुछ धागे केसर के ऐड कर दें, और इसे तब तक बॉईल करना है जब तक कि चीनी मेल्ट नहीं हो जाती। कोई चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी घुल जाए, पानी बॉईल हो जाए, बस इतना ही करना है हमें। और यहाँ पे हमारा पानी है जो है अच्छे से बॉईल हो गया है, इसे हम साइड में रख देंगे। और उसके बाद हम लेंगे 1 कप घी, और उसके बाद इसमें डालेंगे 1 कप सूजी। तो सूजी और घी की क्वांटिटी है वो दोनों बराबर रहेगी, और इसे हम लगातार अब चलाते रहेंगे। तब तक चलाना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना होने लग जाए और इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। तो 5 से 7 मिनट आपको आराम से लग जाएंगे इसे चलाते हुए। और यहाँ पे हमारी सूजी जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो अब हम इसमें पानी डालते हैं। पानी अगर ठंडा हो जाए तो उसे दोबारा से गर्म कर लें और उसे थोड़ा थोड़ा करते हुए डाल लेना है। और उसके बाद हम इसे 2 मिनट तक ढक के पकाएंगे। और यहाँ पे हमारे 2 मिनट हो चुके हैं, मैं ढक्कन हटा रही हूँ अभी। 2 मिनट तक बिना ढके पकाएंगे। यहाँ पे क्रश की हुई इलायची डाली है मैंने, और जो भी आप ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं अपनी पसंद के अनुसार, कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चिरौंजी, बादाम और पिस्ता बारीक कटे हुए। और यहाँ पे हमारा हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अभी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गीला लग रहा है, बस इसको इसी तरह से रखना है, गैस का फ्लेम ऑफ़ कर लेना है। और यहाँ पे आधे घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ हलवा कैसा है अभी। तो अभी हम हलवे को देखें तो बहुत ज़्यादा पहले से गाढ़ा हो चुका है, फिर भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, रसीला और मुंह में खुल जाने वाला सूजी का हलवा बनके तैयार होता है। इस तरह से आप बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट सूजी का हलवा बनेगा। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।